चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आप अगर इस गाने को पूरा सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक दें। तो मैंने इस गाने को 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि बिगिनर्स को सीखने में आसानी हो। आइए पहला पार्ट सीखते हैं। तो देखिए पहला पार्ट कुछ इस तरीके से। तो आइए मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ बजाना है। इलेवेंथ है, 11 को 2 बार बजाना है, फिर 13 में आ जाना है, फिर 9 में चले जाना है, फिर 8 में जाके बैक स्लाइड 6 में। तो कैसा हुआ देख लीजिए। इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन देखिए कैसे बजता है। इलेवन, 13 से 14 स्लाइड, फिर 13, फिर 11, फिर 9, 8। देखिए एक बार पूरा बजा देता हूँ। देखिए टैप शीट ऊपर ही आ रहा है। देखिए गाइस सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से प्ले होता है। आपको 6th फ्रेट में आना है, 1st स्ट्रिंग का 6th फ्रेट में। मैं फिर से एक बार स्लो करके दिखाता हूँ। देखिए टैप शीट ऊपर ही आ रहा है। 6, 8, 9, 6, 14, फिर आपको 13 में जाना है, फिर 11 में जाना है, फिर 9, 8, 6, फिर 4 से स्लाइड, 4 से पूरा 8 तक आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद 2 में आ जाना है, 8, 8, 6, 6, 2, 4, 8, 8, 6, 6। गाइस आइए अब करते हैं 3rd पार्ट। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो को देखते हुए ही अपने गिटार को लेके बैठ जाइए। तो आइए दिखाता हूँ मैं 3rd पार्ट। पहले मैं प्ले कर लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 3rd पार्ट 13th फ्रेट से शुरू हो रहा है, 1st स्ट्रिंग का 13th फ्रेट से। ये लाइन 2 बार बजेगा। आइए मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेवन, आप 13 को स्लाइड करके भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल 13 बजा देना। फिर देखिए फिर क्या करना है, फिर 13, 11, 9, 11, 9, 8, फिर 8, 6, 4, 6, 8 स्लाइड, फिर 2 बार 6। तो देखिए फिर एक बार प्ले करता हूँ। देखिए टैप शीट ऊपर आ रहा है, उसको आप फॉलो कीजिए। तो फिर इस 3rd पार्ट जैसे ही खत्म होता है फिर आपको 1st पार्ट में लौट जाना है बस। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।
आप हम लोग को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।